दूसरी जानिब पहली रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज आगाही मुहिम, मुशीरे खेल पंजाब वहाब रियाज, ओलंपियन अख्तर रसूल, हनीफ खान ने हॉकी के कौमी खिलाड़ियों के साथ लिबर्टी चौक से डबल डेकर बस पर रैली निकाली। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जेर एहतमाम पहली रमजान स्पोर्ट्स सीरीज के लिए आगाही मुहिम, मुशीरे खेल पंजाब वहाब रियाज, ओलंपियन अख्तर रसूल, हनीफ खान और सेक्रेटरी पीएचएफ हैदर वसीम ने हॉकी के कौमी खिलाड़ियों के हमरा डबल डेकर बस पर रैली निकाली। रैली का आगाज लिबर्टी से किया गया, जो सदीक ट्रेड सेंटर, जेल रोड, कैनाल रोड और कजाफी स्टेडियम से होती हुई वापस लिबर्टी पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर वहाब रियाज का कहना था कि कौमी खेल की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। रमजान के बाद 7 मई को रुस्तमे पाकिस्तान दंगल भी कराएंगे। ये पहला स्टेप है, जिस तरीके से पाक व्यू ऑन बोर्ड आया हॉकी के लिए, उन्होंने अपने आप को कहा कि हम हॉकी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं और वो हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। अगर आपको पता होगा तो वो हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ज़रा दंगल के हम लोग उस एक चीज़ में आ चुके हैं, फॉर्मेट में आ चुके हैं, तो जिस तरह पाकिस्तान का दंगल होगा जी 7 मई से ईद के बाद, तो इंशाल्लाह वो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मिलकर करेगा अरशद साहब के साथ। ओलंपियन अख्तर रसूल ने कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हॉकी की बहाली के लिए कोशां है। हॉकी का रिवाइवल है, ये ग्रास रूट लेवल से स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो भी अपना एक रोल अदा करे, दूसरे अदारे भी अपना अपना रोल अदा करें और इस तरह जो है वो खेल जो है हम सब मिल के इस खेल को आबाद करें। ये खेल जो है कौमी निशान है हमारा, कायद आजम ने जहाँ नेशनल एंथम फाइनलाइज किया था, अप्रूव किया था, उसी रोज़ उन्होंने गेम भी हॉकी को नेशनल गेम करार दिया था। पहली रमजान स्पोर्ट्स सीरीज में 6 खेलों के मुकाबलों का आगाज जुमातुल मुबारक से होगा। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।